अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक तो दोस्तों सबसे पहले जुमा मुबारक आप सब दोस्तों को, जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अच्छी सेहत दे। बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, जिम्स के बारे में, जो एक्सरसाइज जिम है या इस तरह के छोटे मोटी बाकी अकेडमीज़ और जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड वो तमाम जगह जहाँ स्पोर्ट कम्प्लेक्स हो गए, इवन के स्टेडियम, कोई भी ग्राउंड जो है उसके बारे में। तो ओमान में जो है, मैंने पहले भी बताया था अपनी कल की वीडियो में कि जिम जो हैं वो अभी क्लोज़ रहेंगे। स्पोर्ट्स की जितनी भी एकेडमी हैं, जितने भी स्टेडियम्स हैं जहां पर कोई भी स्पोर्ट यानी खेलों की कोई भी एक्टिविटी होती है, वो तमाम अभी बंद रहेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले जो है स्प्रिंग कमेटी ने कुछ नई मार्केट शॉप्स मॉल्स वगैरह ओपन करने की बात की थी, उसमें कुछ लिस्ट नई लिस्टें भी आई थी, वो सारी आपसे शेयर कर दी गई। तो मॉल्स जो हैं वहाँ पर भी जो है लिमिटेड जो शॉप्स हैं उनको अलाउ किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो जिन जो यानी कारोबार ओपन हुए हैं वो मॉल्स के अंदर भी ओपन होंगे, नहीं। बाकी मार्केट जो हैं बाहर वो सारी खुल जाएंगी, मॉल्स के अंदर लिमिटेड जो हैं शॉप्स उनको अलाउ किया गया है। वो तमाम शॉप्स जिनको अभी रिसेंटली अनाउंस किया है वो मॉल्स के अंदर नहीं खुलेंगी। उसकी यही वजह है कि लिमिटेड जो हैं शॉप्स मॉल्स के अंदर उनको अलाउ किया गया, इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए कि ज़्यादा जो है लोग वहाँ पर जमा ना हो, स्पेशली क्योंकि वो बंद रहता है, सेंट्रल एसी होता है, उसमें जो है वेंटिलेशन के जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए अब वहाँ पर ज़्यादा जो है शॉप्स ओपन नहीं किएंगे ताकि कम से कम लोग जाएँ उस बंद एरिया में, क्योंकि मॉल सारे बंद हैं आपको पता है, तो कम से कम जो है बीमारी फैलने के चांसेस हों। इसलिए मॉल्स के अंदर बहुत सारे शॉप्स बंद होने की यही रीज़न है। मैं आपसे वो वीडियो भी एक स्पेशल बना के शेयर करूँगा, उसमें मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। तो बात करते हैं खेलों के बारे में। ओमान में चूंकि जिम बंद हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद हैं, उनकी कब उनको खोला जाएगा अभी कोई हतमी डेट या कोई इवन के देयर इज़ नो र्यूमर्स ऑल्सो, कोई अफवाह भी नहीं है कि फ़लां दिन को खुल जाएंगे, फ़लां डेट को खुल जाएंगे, किस महीने में खुलेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है दोबारा से बहाल करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो बहाल करने का ऐलान कर दिया है, और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है 21 जून 2020 से स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी भी हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। स्टेडियम में जो है वो खेलें शुरू हो जाएंगी। बाकी जितनी अकेडमीज़ हैं उसमें अभी तक उन्होंने जिम जो है उसका भी कंफर्म नहीं किया कि सऊदी अरब में जिम खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन बाकी जो ओपन होती हैं या कोई भी इंडोर या आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं वो ओपन कर दी जाएंगी, लेकिन लिमिटेड ऑडियंस के साथ। कम से कम जो हैं लोग जो हैं वो देखने जाएंगे, यानी बहुत क्राउड नहीं होगा, बहुत कम लोग जो हैं वो ग्राउंड में होंगे या उस फील्ड में होंगे। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ पर बहाल होने जा रही है इंशाल्लाह। खैर उम्मीद है ओमान में भी जो हैं बहुत जल्द जिम खुल जाएंगे और बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो भी बहाल हो जाएंगी। सो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। कोई भी शिकायत हो मेरे मुतलक तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शायद बहुत सारे लोग मेरी आवाज़ के मुतलक जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि आवाज़ बहुत स्लो आती है आपके। सो आई हैव बॉट मैंने एक यानी बाय कर ली है एक माइक, तो उम्मीद है इसकी आवाज़ अच्छी होगी, रिकॉर्डिंग जो है थोड़ी बेहतर होगी पहले से। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी बेची हो तो यू कैन डू कमेंट ऑल्सो, इनशाला आई विल इम्प्रूव दैट। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी कर सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है। बुरी लगे तो इग्नोर कर दें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।